नमस्कार, आप सुन रहे हैं श्रेयम शर्मा को चिन्मय विद्यालय से। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के खात्मे की। लेकिन जब तक लालची, स्वार्थी और लोभी मनुष्य अपनी लिप्सा की प्राप्ति के लिए अपनी सत्ता, शक्ति और संपत्ति का गलत इस्तेमाल अपनी आत्मसंतुष्टि एवं निजी स्वार्थ प्राप्ति के लिए करता रहेगा, तब तक भ्रष्ट आचरण होते रहेंगे, होते थे और हो रहे हैं। मुद्रा राक्षस में भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि किस प्रकार चाणक्य ने धनानंद के सामंत राक्षस को घूस देकर नगर के द्वार खुलवा दिए। प्राचीन काल से लेकर आज तक इतिहास के हर पन्ने में, समाज के हर हिस्से में एवं विश्व के कोने कोने में भ्रष्टाचार एक ऐसा रोग बन गया है जो कि लोगों के दिमाग को भ्रष्ट कर रहा है, उनके दिलों से ईमानदारी को हटाकर बेईमानी, चोरी और घोटाले जैसे अनैतिक कार्यों को बढ़ावा दे रहा है। भ्रष्टाचार, कोई भी व्यक्ति जन्म से भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि वह अपने लालच एवं अपनी बुरी सोच के कारण धीरे धीरे इसका आदि हो जाता है। सामाजिक मूल्यों में आई गिरावट एवं नैतिक मूल्यों में पतन के कारण भ्रष्टाचार समाज में अपने पांव फैलाता गया। अतः हमें पहला प्रहार यहीं पर करना होगा। सामाजिक चेतना, धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत त्यागों के उदाहरण से हमें भ्रष्टाचार पर पहला वार करना होगा। आज राजनेता सिर्फ अपने वोट बैंक और फायदे की नीति बनाते हैं, उन्हें देश की जनता के हितों एवं उनकी ज़रूरतों से कोई परवाह नहीं, और इसके खिलाफात के लिए आज समाज में कोई मजबूत लोकमंच भी नहीं है। 3 साल से पास हुआ पड़ा हुआ लोकपाल बिल भी आज पूरी तरह से आकार नहीं ले पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, कमज़ोर आर्थिक ढांचा और नैतिकता का अभाव भ्रष्टाचार के मूलभूत कारण है। अमूमन यह माना जाता है कि भ्रष्टाचार का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ही होते हैं, परंतु इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना बहुत ही आसान है। कम वेतनमान के कारण सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार की ओर रुख करते हैं। आज शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं भी इतनी महंगी हो गई हैं कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अतः सरकार को उन्हें उचित वेतन मान देकर उनके परिवार एवं बच्चों को उचित एवं मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था देकर उन्हें भ्रष्टाचार से विमुक्त कर सकती है। आज सरकारी कामों में सभी प्रकार के लोगों के बीच में, जो लाभार्थी हैं, जो कार्यावान हैं, इनके बीच में एक दीवार खड़ी करके हम भ्रष्टाचार की कमर तोड़ सकते हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही गुनहगार होते हैं, परंतु समाज में यह मिथ्य प्रचलित है कि रिश्वत लेने वाला ज़्यादा बड़ा गुनहगार होता है और रिश्वत देने वाला कम। परंतु यदि समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि जब कोई रिश्वत देने वाला ही नहीं होगा तो लेने वाला केवल लेने की कल्पना करके रह जाएगा। आज कदाचार इस तरह व्याप्त हो चुका है कि सब कुछ बिक चुका है। आज सभी व्यक्ति केवल पैसे कमाने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहे हैं। डॉक्टर पैसे कमाने के लिए मुर्दों का इलाज कर रहे हैं, 100 रुपए के बजाय 1000 रुपए की जांच लिखी जा रही है। 10 रुपए की दवा सरकार 200 रुपए में निर्धारित कर बेच रही है। बड़ी बड़ी दवा कंपनियां आयोजनाओं के बहाने डॉक्टरों के साथ गठजोड़ कर भ्रष्टाचार के नए आयाम तय कर रहे हैं। इंजीनियर अपने निजी स्वार्थ के लिए ठेकेदारों के साथ गठजोड़ कर ऐसी सड़कें, ऐसी मकानें और ऐसे बांध बना रहे हैं जो कि उद्घाटन के पहले ही टूट जाते हैं या उद्घाटन के दिन टूट जाते हैं। अतः हमें इन गठजोड़ों को तोड़ना होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में 40-50 हज़ार रुपये की कीमत वाले AC के किराए लाखों में दिए गए। इन सभी प्रकार के गठजोड़ों पर हमें अंकुश लगाना होगा। मिठाई वाले दूध और मिठाई में जानलेवा पदार्थ का मिश्रण कर रहे हैं। सब्जी वाले इंजेक्शन और जहरीले रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। फलों में मोम और प्लास्टिक का लेप लगाया जा रहा है। व्यापारी भाई चावल और दाल में बालू तो छोड़िए, प्लास्टिक के चावल मिला रहे हैं। ईख वाले अधिक ईख के रस की इच्छा में उस ईख को 2-3 दिन पहले से एक गंदी गंदी नालियों और तालाबों में रख देते हैं। यदि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को हमें समाप्त करना है तो जन जागरूकता और सतर्कता बढ़ानी होगी। इन प्रकार के व्यापारियों का व्यापारिक एवं सामाजिक बहिष्कार करना होगा। आज भारत में सभी प्रकार के कानून प्रक्रियाएं इतने जटिल हैं कि महान महान कानूनविद, महान वकील के राय में भी भेद मतभेद है, तो जनसाधारण जो कि अशिक्षित है, जो कि गरीब है, उनका क्या कहना। अतः हम सभी नियमों को सरल एवं सुगम बनाकर इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकते हैं और जो पुलिसगिरी, जो नेतागिरी की नीति है उस पर अंकुश लगा सकते हैं। गुरुदेव भव की इस भूमि पर
गुरु के चोले में शिक्षा के माफिया समाज में तांडव नृत्य कर रहे हैं एवं छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। करोड़ों रुपये में इंजीनियर और डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। भारत में सबसे उच्च शिक्षा प्रबंधन की शुरुआती फीस तो 5 लाख रुपये है। तो क्या एक ईमानदार व्यक्ति, एक ईमानदार प्यून, एक ईमानदार अफसर या एक व्यापारी या एक किसान यह सपना देख सकता है कि उसका बच्चा भी उस प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करे? और क्या आप करोड़ों में खरीदी गई इस शिक्षा से ईमानदारी की उपेक्षा करते हैं? सीए और वकील तो लिफाफे के वजन के अनुसार काम कर रहे हैं और पुलिस महकमे में तो FIR की तहकीकात नोटों की संख्या के हिसाब से तय होती है। सरकारी न्यायालयों में तो व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा करना तो समय की बर्बादी होगी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप कितने अमीर हैं इसका था तो अस्पताल और कोर्ट में चल जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट में सटीक एवं जल्द से जल्द न्याय नहीं दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। अतः हमें तारीख पर तारीख वाली नीति को बदलने के लिए सटीक एवं जल्दी से जल्दी न्याय देने की व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। निजी उद्योगपतियों की कर चोरी और मुनाफाखोरी तो आज भ्रष्टाचार में भी नहीं आता। यह अर्थशास्त्र का कौन सा गणित है जो मुझे समझ में नहीं आता? 10 रुपये MRP वाले चीन निर्मित वस्तु बाजार में आते आते 100 रुपये के हो जाते हैं और वहीं बड़ी बड़ी मॉलों में बड़ी बड़ी कंपनियों के सामान पर 50-60-70% का डिस्काउंट चलता है, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चलता है। यह केवल भ्रष्टाचार और कर चोरी का गणित है, इस पर सरकार को अंकुश लगाना होगा। यदि हमें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो हमें इन सभी प्रकार के गठजोड़ों को तोड़ना होगा, कड़े नियमों का भय दिखाना होगा, सरल पारदर्शी एवं सुगम नियम बनाने होंगे, स्वविवेक के अधिकारों पर अंकुश लगाना होगा, नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए आसाराम और राम रहीम जैसे धर्म के ठेकेदारों से धर्म को बचाना होगा एवं सबसे महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों को उचित वेतनमान एवं उनके बच्चों उनके परिवार को उचित एवं मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था देकर उन्हें भ्रष्टाचार से विमुक्त कराना होगा। CBC और CBI जैसे संस्थान जो कि आज के वो सरकारी तोते बनकर रह गए हैं उन्हें सरकार से पूर्णतः मुक्त कराना होगा, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों के पास ही भ्रष्टाचार करने के ज़्यादा मौके होते हैं। हाल ही में सरकार के द्वारा लाया गया विमुद्रीकरण और GST भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए बहुत सराहनीय कदम है। यदि GST के प्रावधानों को सही रूप से लगाया गया तो कर चोरी और मुनाफाखोरी पर निश्चित रूप से बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। एक बात कहना चाहूंगा कि यदि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है तो मुझे यह सोचने पर विवश कर देता है कि यह प्रेरणा का विषय है या संवेदना का। आज हमारे बीच महात्मा गांधी नहीं है वरन ऐसे ही बड़े बड़े व्यापारी हैं। हमें इन सब को तोड़कर आसमान में सुराख करना होगा। एक बात तो तय है कि आज के युग में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना बड़ा ही कठिन है, लेकिन भविष्य में भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी पड़ती है युवाओं पर। परंतु विडंबना देखिए, 30% युवा जस्टिन बीबर में है, 30% युवा डेस्पासिटो सुनने में व्यस्त है और बाकी 40% युवा भाषण सुनने में व्यस्त है। अतः यह हम पर निर्भर करता है, देश की जनता पर निर्भर करता है कि भारत को किस प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहिए और एवं चाणक्य के अखंड भारत एवं राम राज्य के सपने को पूर्ण किस प्रकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।